भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित सुल्तानपुर एक जिला है जो कि आदि गंगा गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। सुल्तानपुर जिले की स्थानीय बोलचाल भाषा अवधी और खड़ी बोली है। दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वो जो बेल आइकन के बगल में रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उसे प्रेस करके चैनल को हमेशा के लिए अपना बना दीजिए। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश राज्य का एक ऐसा भाग है जहां पर अंग्रेजी शासन से पहले उदार नवाबों का राज था। पौराणिक मान्यता के अनुसार आज सुल्तानपुर जिला पूर्व में गोमती नदी के तट पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पुत्र कुश द्वारा बसाया गया कुश भवनपुर था। यहां एक राजा राजपूत राजवंश भाले से लड़ने में माहिर थे, जिन्होंने खिलजियों का डटकर मुकाबला किया, जिसके कारण उन्हें भाले सुल्तान की उपाधि दी गई। भाले सुल्तान की उपाधि के नाम पर इस नगर को सुल्तानपुर के नाम से बसाया गया। यहाँ की भौगोलिक उपयुक्तता और स्थिति को देखते हुए अवध के नवाब सफदरजंग ने इसे अवध की राजधानी बनाने का प्रयास किया, जिसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। ऐतिहासिक काल से ही सुल्तानपुर जिले में विभिन्न क्षत्रिय राजपूतों का राज रहा, जिसे राजकुमार ठाकुर का जिला 1/4 हिस्से पर राज था। इसके अतिरिक्त बकोटिस बैस भाले सुल्तान कछवाहा ठाकुर यानी राजपूत का भी राज था, जिससे लगभग 76% क्षेत्र क्षत्रियों का शासन था। प्रभाग अयोध्या, मुख्यालय सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल 4,436 किलोमीटर स्क्वायर, जनसंख्या 37,97,117 जो कि 2011 के हिसाब से है, जनसंख्या घनत्व 725 किलोमीटर स्क्वायर, साक्षरता 71.14%, लिंगानुपात 1,922। तहसीलों की बात की जाए तो लम्भुआ, कादीपुर, सुल्तानपुर, जयसिंहपुर, बल्दीराय यानी नवसृजित है। इसके साथ ही स्थान महर्षि वाल्मीकि, दुर्वासा, वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों की तपोस्थली का गौरव प्राप्त किए हुए है। किसान नेता बाबा रामचंद्र और बाबा रामलाल इस संदर्भ में उल्लेखनीय है, जिनके त्याग का वर्णन जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, जो कि यहीं के हैं। प्रमुख पर्यटक स्थलों की बात की जाए तो नंबर 1 पर सुंदर लाल मेमोरियल हॉल आता है। सुंदर लाल मेमोरियल हॉल सुल्तानपुर शहर के क्राइस्ट चर्च के दक्षिण दिशा में स्थित है। इसका निर्माण महारानी विक्टोरिया की याद में उनकी पहली जयंती पर करवाया गया था। वर्तमान समय में इसे विक्टोरिया मंजिल के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब इस जगह पर म्यूनिसिपल बोर्ड का कार्यालय है। अगला जो स्थान है, इसे सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। ये सुल्तानपुर शहर में गोमती नदी के तट पर है। चैत नवमी, माघ अमावस्या, गंगा दशहरा व कार्तिक पूर्णिमा को अत्यधिक संख्या में इस स्थान पर लोग गोमती नदी पर स्नान करते हैं। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार वनवास जाते समय भगवती सीता ने भगवान राम के साथ यहां स्नान किया था। प्रत्येक रविवार को सीता कुंड घाट पर आदि गंगा गोमती की भव्य आरती का आयोजन किया जाता है। अगला स्थान है विजयथुआ महावीरन। सुल्तानपुर स्थित विजयथुआ महावीरन भगवान हनुमान को समर्पित एक मंदिर है। माना जाता है ये वही स्थान है जहां पवन पुत्र भगवान हनुमान के दशानन रावण के मामा कालनेमी नामक दानव का वध इसी स्थान पे किया था। यहीं से कुछ ही दूरी पर उमरपुर गांव में भगवान शिव मंदिर है। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने सुल्तानपुर जिले के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन कवर करने की कोशिश की। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 ज़रूर लिखें। और अगर आपको भी आपके प्रदेश, शहर, डिस्ट्रिक्ट, सिटी किसी भी चीज़ का वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।